हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन, आप सभी का अपने चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस गुर्दे की पथरी में और गॉल ब्लैडर स्टोन्स में, यानी पित्त की थैली की पथरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो देखिए दोस्तों, जो गुर्दे की पथरी होती है वो अगर छोटे साइज़ की होती है, गुर्दे की पथरी का मतलब है किडनी स्टोन्स। अगर किडनी स्टोन्स छोटे साइज़ के हैं तो आप सभी को पता है यूरिन जो है हमारे किडनी में ही बनता है। तो अगर किडनी स्टोन्स छोटे साइज़ के हैं, वो किडनी में है या यूरेटर में है या पेशाब के रास्ते में कहीं भी हैं, तो अगर आप पानी अच्छे से पियेंगे, नमक कम खाएंगे, नॉनवेज आइटम्स कम खाएंगे और सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, तो हो सकता है कि किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए, अगर छोटे स्टोन्स है तो। क्योंकि 6-7 mm तक के स्टोन्स हमारे पेशाब के रास्ते में पेशाब के साथ ही निकल जाते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं या जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, सॉल्ट नमक ज़्यादा खाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो लोग नहीं खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है डिहाइड्रेशन की वजह से। जो लोग पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, दिन में 1-2 लीटर ही पानी पीते हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो दिन में 3-4 लीटर पानी पीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। और अगर आपके गुर्दे में, किडनी में या यूरेटर में या पेशाब के कहीं भी रास्ते में 4-5-6 mm तक के स्टोन्स हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई, जो बेसिक 4 चीज़ें मैंने बताई, पानी ज़्यादा पीना है, नमक कम खाना है, नॉनवेज कम खाना है और सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। सिट्रस फ्रूट जैसे आंवला, लेमन, मौसम्मी, संतरा, ये सब खाना है, क्रैनबेरी जूस, ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, तो आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर है भी तो छोटे स्टोन्स, 5-6-7 mm तक के स्टोन्स पेशाब के रास्ते में निकल जाएंगे। अगर बड़े स्टोन्स हैं तो फिर प्लीज़ कोई दवा मत लीजिए या फिर इन सब घरेलू चक्कर में ना रहिए। बड़े स्टोन्स 7-8-9-10 या उससे बड़े 1.5-2 सेंटीमीटर तक के जो स्टोन्स है किडनी में, गुर्दे में, या कोई 7-8 mm का स्टोन्स है जो अटका हुआ है कहीं पे, जो दर्द देता है, उसके लिए आप ये घरेलू नुस्खे को बिल्कुल फॉलो ना करें। उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर जाकर कंसल्ट करें। अगर आपको कोई यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है तो उनका डिटेल, मैंने एक डॉक्टर है जिनका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनसे आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। वो वाराणसी में प्रैक्टिस करते हैं, वो वहाँ जाके आप दिखा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पित्त की थैली में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। तो देखिए, बिल्कुल डिफरेंट होता है पित्त की थैली में पथरी। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो छोटे हैं, अगर 6-7 mm तक के, तो वो उनकी गुंजाइश होती है पेशाब में निकलने की। लेकिन पित्त की थैली में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, कभी निकलते नहीं है, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। और अगर छोटे होते हैं तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो पित्त की थैली की नलकी जो होती है, जो सिस्टिक डक्ट होता है, वहाँ से ट्रैवल करके नीचे कॉमन बाइल डक्ट में आ जाते हैं। और एक बार पित्त की थैली का पत्थर कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है तो वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, रुकावट कॉज करता है, और जो पित्त का फ्लो है, जो बाइल का फ्लो है पित्त की थैली से हमारे इंटेस्टाइन में जो आते हैं वहाँ पे, वो हो नहीं पाता, उसको रोक देता है, जिसकी वजह से पीलिया जैसी प्रॉब्लम, और पीलिया होती है तो बहुत गंभीर पीलिया होती है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कराती है, जिसका फिर सर्जरी करना पड़ता है। तो दोस्तों, छोटे स्टोन्स अगर पित्त की थैली की पथरी में हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सर्जरी करा लें, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। छोटी पथरी हो पित्त की थैली में या बड़ी पथरी हो, साइज से मतलब नहीं है। 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm या फिर 25 mm, अगर कोई भी साइज की पित्त की थैली में पथरी है तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। बड़ी पथरी यूजली प्रॉब्लम नहीं करती है, लेकिन वो भी कभी कभी कर देती है। वो गॉल ब्लैडर के वॉल को, जो दीवार होती है गॉल ब्लैडर की, उसको रगड़ खाती है और उसमें उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन कराती है। सूजन कराने की वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जैसी प्रॉब्लम आती है। तो बड़ी पथरी भी प्रॉब्लम कर सकती है, छोटी पथरी भी प्रॉब्लम कर सकती है अगर वो गॉल ब्लैडर में है तो। इसलिए गॉल ब्लैडर सर्जरी आप
वेट ना करें ज़्यादा, 1-2 महीने के अंदर ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सर्जरी का डेट लेके आप करा लीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ भी सर्जरीज होती हैं गॉल ब्लैडर की। लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी होता है, मतलब दूरबीन से गॉल ब्लैडर की पथरी को गॉल ब्लैडर के साथ में निकाला जाता है, क्योंकि यही एक टेक्निक होती है। और ऑपरेशन के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बस यूजली थोड़ा अवॉइड करना होता है तेल या मसालेदार चीज़ें। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए खाना, खा सकते हैं लेकिन थोड़ा कम खाना होता है। सर्जरी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, 45 मिनट से 1 घंटे की सर्जरी होती है, और सर्जरी के बाद 1-2 दिन में ही डिस्चार्ज भी मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको कराना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। गॉल ब्लैडर स्टोन में या पित्त की थैली में पथरी जिसको है, या फिर किडनी स्टोन जिसको है, गुर्दे में पथरी जिसको है, वो सारे लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, आप जाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका इससे भला हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।